दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी ने लगाई जमानत की गुहार। इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा जरूरी है शादी। कोर्ट ने सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका पर एनसीबी से मांगा जवाब। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 14 जून को एक साल हो जाएगा। सुशांत के निधन की जांच अभी जारी है। हाल ही में एनसीबी ने केस में एक्शन लेते हुए ड्रग्स मामले में सुशांत सिंह राजपूत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी को कथित तौर पर ड्रग्स खरीदने और उसे खाने के आरोप में हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद की एक अदालत से ट्रांजिट वारंट प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई लाया गया। सिद्धार्थ 26 मई से जेल में है। ऐसे में अब उन्होंने जमानत मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की और जमानत की गुहार लगाई है। एज पर रिपोर्ट्स, दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया है कि दिवंगत सुशांत के रूममेट की शादी 26 जून को हैदराबाद में होनी है। ऐसे में उन्होंने अदालत में शादी का इनविटेशन कार्ड की एक कॉपी जमा की है। सिद्धार्थ ने शादी के लिए जमानत की गुहार लगाई है। अब कोर्ट ने सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका पर एनसीबी से जवाब मांगा है। ट्विटर पर ANI ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि रिपोर्टेडली सिद्धार्थ पिठानी सुशांत केस के अहम गवाह है, क्योंकि सिद्धार्थ ही वो है जिन्होंने सुशांत को निधन के बाद कमरे में सबसे पहले देखा था। उन्होंने ही बताया था कि सुशांत ने खुदकुशी की है। सिद्धार्थ के इस बयान पर पूछताछ पहले हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हुआ था। निधन के बाद इस केस में तरह तरह के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अभी तक एनसीबी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसी केस के नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अब देखना होगा कि सिद्धार्थ को जमानत मिलती है कि नहीं।